तो गाइस फटाफट से बात करते हैं आज का विटिल की बेस्ट T20 मैच से गला वर्सेस मिड के बीच में खेला जाएगा। तो चलो गाइस देख ले प्लेयर स्टैट्स देख लेते क्या थे। तो अगर यहाँ पे देखो प्लेयर्स क्या ग्लैडिएटर के सैम नॉर्थ इज 134 मैच 3218 रन 29 एवरेज, क्रिस कुक 23 एवरेज, माइकल होगन 91 मैच में 196 विकेट्स, एंड्रयू सल्टर 89 मैच में 361 रन प्लस 62 विकेट, कॉलिन इंग्राम 84 मैच 226 रन 25 विकेट भी है, और खास उतना कोई भी नहीं है। माइकल हैमिल्सन नहीं खेलेगा और खास कोई उतना नीचे नहीं देखता है। और मिडिल सेक्स का जॉन सिप्सन 137 मैच 2305 रन 23 कैरेज, यून मगर नहीं खेलेगा, टिम मटकर नहीं खेलेगा, स्टीफन एस्टर 59 मैच 1808 मैच खेले 35 कैवरेज है, और मैक्स रोडन भी आएगा उसके साथ 33 मैच 736 रन, पीटर हैंस्कॉम नहीं है, मुझे भी नहीं है, क्रैकनेल 24 मैच 676 रन, क्रिस गेन 22 मैच में 23 विकेट, मैट्री एंडरसन 20 मैच में 15 विकेट प्लस 157 रन में बनाए, सेवन अफ्रीदी नहीं है और नीचे खास कोई नहीं। चलो गाइस फटाफट से टीम देख लेते। तो गाइस एक स्मॉल टीम है जिसमें मैं 3-4 बैट्समैन लाऊँ, स्टीफन होल्डन क्रैकनेल और सैम नॉर्थ ईस्ट को ले आऊँ। स्टीफन का रिकॉर्ड है पिछले मैच में ओपनिंग हर मैच में ओपनिंग करता है मैक्सन होल्डन के साथ, पिछले मैच में 25, उससे पहले थोड़ा रन नहीं बना पाए थे, फ्लॉप थे, और उससे पहले मैच में उन्होंने 47 रन की पारी खेली थी। और मैक्स होल्डन में एक अच्छे बैट्समैन है, ओपनिंग करते हैं स्टीफन के साथ, पिछले मैच में थोड़े ये भी फ्लॉप रहे थे, उस लास्ट दो मैच में फ्लॉप रहे थे, पिछले मैच से 3 रन, उससे पहले 1 रन, और एक मैच देख सकते हो उन्होंने 35 रन बनाए थे प्लस, और एक मैच से 33 रन की पारी खेली थी। प्लेयर बहुत बड़े इसलिए उनके साथ जा रहा हूँ। और जो क्रैकनेल वन डाउन बैटिंग करने आते हैं मिड सिक्स के बजाय, पिछले मैच में अच्छे बार खेले थे 99 के प्लस एक विकेट भी लिया, एक कैच पकड़ा था, उससे पहले 29 रन, उससे पहले थोड़ा फ्लॉप रहे थे 2-3 मैच में। और सैम नॉर्थ ने जो भी ओपनिंग करते हैं ग्लैड के खिलाफ, पिछले मैच से 41 रन की पारी खेली, 36 रन की पारी खेली थी, 41 पॉइंट्स दिए थे, उससे पहले 24 रन की पारी खेली थी। प्लेयर बहुत बड़ा इसलिए उनके साथ रॉई विकेट सेक्शन में जॉन सिप्सन के साथ, जॉन सिप्सन भी अच्छे बैट्समैन है, सिप्सन विकेट करेंगे, पिछले मैच में 25 रन की पारी खेली थी पर उससे पहले उन्होंने 20 रन प्लस एक कैच भी पकड़ा था। प्लेयर बहुत बढ़िया है इसलिए उनके साथ जा रहा हूँ। वही ऑलराउंडर में मार्टिन एंडरसन, क्रिस गेन और डैनियल के साथ जा रहा हूँ। एंडरसन वो हर मैच में विकेट लेते हैं, आप देख सकते पिछले मैच में फ्लॉप रहते एक विकेट नहीं लेते, पर उससे पहले 8 रन, उससे पहले उन्होंने SS के खिलाफ 8 रन 3 विकेट लिए थे, और उससे पहले सूर्य सर के खिलाफ 2 विकेट लिए थे। हर विकेट टेकर बॉलर है इसलिए उनके साथ जा रहा हूँ। और क्रिस गेन भी एक अच्छे बॉलर है, स्पिन बॉलर, आप देख सकते हो उनका रिकॉर्ड पिछले मैच से 49 विकेट नहीं लिए थे, उससे पहले उन्होंने एक विकेट लिए थे, 2 रन बना के एक विकेट लिए थे। प्लेयर बहुत बड़े इसलिए उनके साथ जा रहा हूँ। और लास्ट में डैनियल के साथ जा रहा हूँ, डैनियल भी अच्छे बॉलर थे, विकेट टेकर बॉलर थे, एक मैच में फ्लॉप, एक मैच अच्छे करते, पिछले मैच में 21 रन विकेट नहीं लिए थे, उससे पहले रन नहीं बनाए, 7 रन बना पे सिर्फ 3 विकेट छटकाए थे। और बॉलिंग सेक्शन में माइकल होगन पिछले मैच में खेला नहीं था, इस मैच में खेलते करके उनको पिक किया, बहुत बढ़िया बॉलर है, आप देख सकते हो उनका रिकॉर्ड, मैच में विकेट लेते एक मैच में एक विकेट, और एक उससे पहले मैच में एक विकेट, एक मैच में फ्लॉप रहते विकेट नहीं लेते, पर उससे पहले अच्छे विकेट चटकाए थे। और PM सिसोड़े भी एक अच्छे बॉलर है, आप देख सकते हो उनका रिकॉर्ड, हर मैच में विकेट टेकर बॉलर है, पिछले मैच में विकेट लेते, उससे पहले विकेट लेते, पिछले मैच में विकेट, उससे पहले विकेट, उससे पहले भी विकेट लेते, और एक मैच में फ्लॉप रहते। प्लेयर बहुत बड़ा है इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। और लास्ट में जैसन बैरनडॉर्फ के साथ जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन बॉलर, बहुत बड़ा बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, पिछले मैच में एक विकेट लेते, उससे पहले विकेट नहीं लेते, सिर्फ एक रन बना पाए थे, 6 रेड आउट बॉल के थे, उससे पहले 2 विकेट लेते। प्लेयर बहुत बड़ा है इसलिए। तो गाइस कैप्टन बना मैटर एंडरसन का, वाइस कैप्टन क्रिस गेन, ये मेरे स्मॉल लीग की टीम के गाइस। सो थैंक यू गाइस।